नमस्कार, मैं अनुराग चौधरी। स्वागत है आपका हमारे क्या है यार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नेपाल के कुछ दर्शन स्थल और घूमने की जगहों के बारे में। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि नेपाल में कहाँ कहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ पे हम अच्छे से घूम सकते हैं, किसी अपनी छुट्टियों का एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे काठमांडू, नेपाल की राजधानी है जो काठमांडू, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो काठमांडू नेपाल का एक ऐसा राज्य है जो टॉप पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ें हैं। जो टूरिज़्म के लिए लोग जाते हैं वो सबसे ज़्यादा काठमांडू जाते हैं, और काठमांडू के बाद में दूसरा है पोखरा। नेपाल के अंदर ये पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल भी पोखरा को भी माना जाता है। तीसरी हम बात करते हैं नगरकोटा। नेपाल में घूमने वाली जगह है नगरकोटा, वहाँ पे आप शांति से आराम से घूम सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप वहाँ से शांति से घूम सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं चार नंबर पे नेपाल में आता है जनकपुर। नेपाल की खास जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं जो जनकपुर देखने के लिए जाते हैं। तो पांचवी हम बात करते हैं लुम्बिनी पर्यटन स्थल। लुम्बिनी पर्यटन स्थल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। और मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे, मंदिर के ऊपर भी हम बात करेंगे। जो लोग हैं गॉड पे विश्वास करते हैं वो लोग आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि नेपाल का प्रमुख मंदिर है, वहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं और वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा करते हैं। और इसी से हम बात करते हैं सातवें नंबर पर है चितवन नेशनल पार्क। जो लोग घूमने के शौकीन होते हैं वो नेपाल में चितवन पार्क में सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो ये नेपाल की बहुत सी मशहूर प्लेस हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। इसीलिए तो नेपाल को टूरिज़्म का राजा भी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं विदेशों से, तो इससे नेपाल को टूरिज़्म का राजा कहा जाता है। आठवें नंबर पर है भगतपुर, नेपाल के मुख्य दर्शनीय स्थल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्शनीय स्थल है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, पूजा की जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ मुख्य टॉपिक जो है चांगवा नारायण मंदिर। यहाँ पे लोग पैदल चलकर आते हैं चांगवा नारायण मंदिर के पास और पूजा करते हैं। इस पूजा के दौरान वो वापस जाते समय किसी साधन का उपयोग करते हैं। और दसवां लास्ट मंदिर है स्वाया भूनाथ, यह सबसे बड़ा मंदिर है और यह बंदर मंदिर बोला जाता है, इसे बंदर मंदिर भी बोला जाता है, और यह नेपाल में सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ लोग घूमने आते हैं। तो आपको कौन सा सबसे अच्छा स्थान लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर नेपाल में घूमना चाहते हैं तो अपनी कमेंट सेक्शन में राय दें। जय हिंद, जय नेपाल। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।